रुमाल झपट्टा। दादाजी, क्या हम खेल के मैदान में खेलने जाएंगे? हाँ जरूर बच्चों। वाह, अरे वो क्या है? क्या, कहाँ? अरे वाह, क्या चमक है इसमें। हाँ, ऐसा पत्थर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। आज तक मैंने जितनी भी चीजें इकट्ठा करी हैं, उनमें से ये सबसे खास होगी। वाह, अगर ये मुझे मिल जाए तो सारे दोस्त तो बस मेरी वाह वाह करेंगे। राजा बन जाऊंगा मैं। लाओ टिंकू, मेरा पत्थर मुझे दो। मेरा पत्थर नहीं, ये मेरा पत्थर है, मैंने पहले इसे उठाया था। लेकिन मैंने पहले देखा था। मेरा है। नहीं, मेरा है। अरे दोस्तों, क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? मिला मुझे एक पत्थर, चमकीला, सुंदर, निराला, सबसे अनोखा। कैसे दे दूं इसे स्माइली को, जबकि ये है सिर्फ मेरा मेरा। नहीं चुटकी, ये मेरा है। ठीक है दोस्तों, अब शांत हो जाओ। अब इसका फैसला किसी और तरह से करना होगा। कैसे? कोई खेल खेलकर। लेकिन कौन सा खेल? रुमाल झपट्टा। हाँ, वही खेलना जिसमें हम एक चीज जैसे रुमाल या इस पत्थर को जमीन पर बीच में रखते हैं और दो लोग उसके आसपास घूम घूम कर एकदम झपटा मारते हैं और जो पहले उठाता है वो जीत जाता है। हाँ, लेकिन हम ये खेल ऐसे नहीं खेलेंगे, इसमें थोड़ा बदलाव करते हैं। हाँ, खेल तो ऐसा होना चाहिए जिसमें सब मजा करें और जम के खेलें। आइडिया, इसमें जमीन से उठाने की जगह अगर हम एक टेबल पर पत्थर रखें और उस पे से झपटा मारे तो। हाँ टिंकू, ये तुमने बहुत अच्छा तरीका बताया खेलने का। हम गोल गोल नहीं घूमेंगे तो इस खेल को कैसे खेलेंगे? ऐसा करते हैं, मैं तुम दोनों को बताती जाऊंगी क्या करना है और तुम वैसा वैसा करते जाना। जैसे अगर मैं कहूंगी अपने कंधे को छुओ तो तुम्हें कंधे छूना होगा, अगर मैं कहूंगी अपने सर पर हाथ रखो तो तुम्हें सर पर हाथ रखना होगा, और जैसे ही मैं कहूंगी पत्थर झपट्टा तब तुम्हें पत्थर पर झपट्टा मारना होगा। मजेदार, जल्दी शुरू करो चुटकी। सबसे पहले छुओ अपना कान। टिंकू, नाक नहीं, कान। हाँ हाँ, समझ गया। छुओ अपना सर। स्माइली, तुम्हें पत्थर पर झपटा मारने की बहुत जल्दी है ना? चलो, दोनों के हाथ पत्थर से दूर, पत्थर झपटा। ये, मैं जीत गई। अरे ये क्या, स्माइली तो जीत गई। टिंकू, तुम ऐसे उदास मत हो, तुम तो मेरे प्यारे से दोस्त हो। अगर तुम उदास तो मैं भी उदास। ये लो ये पत्थर, एक हफ्ता तुम अपने पास रख लो और अगले हफ्ते मैं अपने पास रख लूंगी। धन्यवाद स्माइली, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। दोस्तों, अब आपकी बारी है हमारी ही तरह एक नया खेल बनाकर अपने दोस्तों के साथ खेलने की। याद रखना दोस्तों, खेल तो वही है जो सब खेल पाए, जिसमें सब मजा करें और मिलकर बराबरी से खेलें। उम्मीद है अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। बाय बाय दोस्तों।